मुझे 1-1.5 हज़ार से ज़्यादा शोज़ के लिए कॉल्स और मैसेजेस आए हैं, प्रॉपर ईमेल्स इंडिया के। परफॉर्मेंस से रिलेटेड ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश है कि मैं दिल्ली में परफॉर्म करूं। मैंने कम से कम 40-50 शोज़ बजाए हैं इन 3 महीनों में दुबई में। तो उन 40-50 में से 2-3 थे जो पाकिस्तानी लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किए हुए थे, सारे इंडियन लोग थे। सादगी तो हमारी जरा देखी, सादगी तो हमारी जरा देखी, एतबार आपके वादे पर कर लिया। मैं अगर क्रेडिट दूं किसी चीज़ को तो मैं सोशल मीडिया को दूंगा। मेरी मेहनत और मेरी स्ट्रगल एक तरफ रह गई, बट किरदार तो सोशल मीडिया ने अदा किया ना, वो बात पहुंचाने तक, लोगों तक। वरना मैं जो भी कर रहा था, या अच्छा गा रहा था, बुरा गा रहा था, तो मैं अपने घर पे ही गा रहा था ना। सादगी तो हमारी जरा देखिए। एज ग्रुप ये है कि फ्रॉम 24 to 36, ये सबसे ज़्यादा ऑडियंस है जो मुझे सुनती है। अगर इलाके की बात करें तो 85% लोग इंडिया से हैं और बाकी पाकिस्तानी हैं, और इसमें बहुत छोटी छोटी तादाद यूके, अमेरिका, कनाडा, इधर उधर से, ऑस्ट्रेलिया से, वो भी है, लेकिन वो मेंशन करने वाली नहीं है। बट 85% इंडिया से हैं। मुझे नहीं पता कि कैसे, क्यों, बट ऐसा ही है, स्टैट्स तो यही बताते हैं। ऑर्गेनिक, बखुदा ये सारा कुछ ऑर्गेनिक था। मैंने आज तक हल्फन एक पैनी का भी स्पॉन्सर बूस्ट अपनी किसी वीडियो, किसी डिजिटल पोस्ट पे, बल्कि बखुदा मुझे लगाना ही नहीं आता अभी तक। मुझे आता ही नहीं है कि कैसे लगाते हैं। बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। तो हम अपने एक ओरिजिनल गाने की, जो कि मैंने उनके लिए गाया था बिगफुट म्यूजिक के लिए, उसकी म्यूजिक वीडियो करने बैठे थे। हुआ ये कि कोई दोस्त हमारा आ रहा था जो DOP था, वो भी रास्ते में था, तो हम लोग पूरा सेटअप लगा के बैठे हुए थे, बिल्कुल इसी तरह कैमरा लगा हुआ था, इसी तरह मैं कुर्सी पर बैठा था और मेरे आगे माइक था और मेरे साथ एक कीज़ प्लेयर बैठा था, असद। एक आर्टिस्ट को ऐसा मॉल मिल जाए तो बस उसकी फ़ौरन से मूड बन जाता है। तो हम गाने लगे, तो वो जो मेरे दोस्त हैं हमद खान और सोहेब लारी, इन्होंने वो जो कैमरा लगा हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी, और जो हम गा रहे थे तो पीछे सिस्टम से रिकॉर्ड का बटन भी प्ले कर दिया। तो हम लोग बस गाते गए। तुम तो ना आए, सादगी के मुझे 2 शेर उस वक्त याद थे, जुबानी, मैंने वो गा दिए। नियत शौक गा दिया, गुलों में रंग भरे गा दिया, तो क्या ये तय है, वादा शिकन, दिलड़ी लुटी, और कोई 18-19 ट्रैक्स मैंने वो गा दिए। 2019 की बात है ये। मैंने घर आके एक हफ्ते में 19 वीडियोज़ अपलोड कर दी यूट्यूब पे, हालांकि ये तरीका गलत है टेक्निकली। थोड़े बहुत व्यूज़ आ गए, 4-5-6 हज़ार करके, सब पे इतने इतने आ गए। मैं रिलैक्स हो गया, मैं फिर अपना काम करने लगा। अब हुआ ये कि अभी कुछ 6-7 महीने पहले अचानक से ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि बस वो एक ट्रैक, उसमें से सादगी, उस पे बहुत ज़्यादा रील्स बनने लगी इंस्टाग्राम पे। सादगी तो मैं जो डेली शेयर कर रहा होता हूँ वो लोगों ने किया हुआ है, रील्स बनाई हुई हैं, किसी ने अपनी तस्वीर खींच के पीछे ऑडियो लगाया हुआ है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार लोग कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने सीखना शुरू किया था आज से एग्जैक्टली 16-16.5 साल पहले। म्यूज़िक अकेडमीज़ का कल्चर है लाहौर में, वहाँ जाने लगा तो पता चला कि यहाँ क्या कल्चर है। हर जगह डिफरेंट डिफरेंट किस्म के घराने म्यूज़िक के, क्लासिकल वाले लोग, उनकी गैदरिंग्स, उनकी बैठकें, उनका एक अलग ही दुनिया है। सही है। तो पहले सबसे मुझे ये रियलिटी चेक आया कि जो घराने हैं म्यूज़िक के, वो किसी दूसरे आम बच्चे को वो मानते ही नहीं, यानी एक्सेप्ट ही नहीं करते। आखिर इतने अच्छे म्यूज़िक की, यानी क्लासिकल म्यूज़िक की डाउनफॉल की वजूहात क्या हैं? कोई किसी को वो नॉलेज ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार नहीं है। तो समहाउ जो ये क्लासिकल म्यूज़िक और वो जो एक
सीरियस म्यूजिक हुआ करता था कभी, वो बिल्कुल गायब हो गया। उसके अंदर किरदार भी उन्हीं लोगों का था जो वो म्यूजिक कर रहे थे, क्योंकि वो आगे डिलीवर ही नहीं करना चाहते थे, वो आगे ट्रांसफर भी नहीं करना चाहते थे, वो किसी को मानना भी नहीं चाहते थे। और एक अजीब चैलेंजिंग सी फिजा बन गई थी कि हर किसी का दूसरे म्यूजिशियन के साथ चैलेंज है कि मैंने इससे जीतना है। तो वो उसी लड़ाई में कहीं लड़ते रह गए सारी ज़िंदगी कि मैंने इससे अच्छा बजाना या गाना है, बजाय इसके कि वो ये सोचते कि हमने इसमें कंट्रीब्यूट करना है और ये एक यूनिवर्सल चीज़ है, बस आप अपना क्राफ्ट बना के दुनिया के हवाले करें। ये जो 18-18, 19-19 साल के लड़के लड़कियां ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम सुन रहे थे और वो उसको समझने की कोशिश भी कर रहे थे और जितना समझ आ रहा था उसका भरपूर मज़ा भी ले रहे थे, तो इसके पीछे मेरे 17 साल लगे हुए हैं। जब मुझे समझ आया कि कैसे ये बात इनके तक पहुंचेगी तो समझ में आएगी इनके। ओ यार सजन जब आप इस लेवल पे अपनी क्राफ्ट को ले जाते हैं कि वो एक सच बन जाए, वो एक हकीकत बन जाए, तो फिर अपॉर्चुनिटी ऐसे करके क्रिएट होती है आपके लिए। अब घरों पे ख्वातीन कुकिंग की वीडियोस बना के पैसे कमा रही हैं, बच्चों की अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के खेलने की खिलौनों की वीडियो बना के घर पे पैसे कमा रहे हैं, तो वाई नॉट आर्ट या म्यूज़िक या पेंटिंग कुछ भी। यानी एक आर्टिस्ट अगर इन्वेस्ट कर रहा है 10 लाख रुपए अपने गाने पे, अगर वो गाना चल जाता है, उसके 1 मिलियन व्यूज़ अगर यूट्यूब पे आ जाते हैं, तो उसे 4-5 लाख रुपए तो रिकवर हो ही जाएंगे अपने यूट्यूब से, जो यूट्यूब से पैसे आ जाएंगे। बाकी अगर उसे 2-3 शोज़ भी मिल जाते हैं, अगर वो बिल्कुल अभी इनिशियल फेज़ में है, तो ना सिर्फ वो रिकवर कर गया अपने पैसे, बल्कि वो उसके ऊपर अगर आप इसको कमर्शियली देखें तो वो प्रॉफिट भी आ रहा है उसे। पहले एक पीटी भी होता था, आपको दरवाजे के आगे खड़े रहना पड़ता था या कोई पर्ची सिफारिश अरेंज करनी पड़ती थी चांस के लिए। अब सबको इक्वल चांस मिला हुआ है डिजिटल की सूरत में, आप अपना काम लोगों तक पहुंचाएं, एक वाइड वर्ल्ड है पूरी, उड़ जाएगा काम अगर अच्छा है तो। आप यकीन करें पिछले 3 महीने के अंदर ऑलमोस्ट मुझे 1-1.5 हज़ार से ज़्यादा शोज़ के लिए कॉल्स और मैसेजेस आए हैं, प्रॉपर ईमेल्स इंडिया के। लेकिन प्रॉब्लम ये है करंटली वहाँ कोई ऐसा लॉ है कि आप आर्टिस्ट ट्रैवल नहीं कर सकता पाकिस्तान से कोई इंडिया में, तो अगर वो ना होता तो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस से रिलेटेड ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश है कि मैं दिल्ली में परफॉर्म करूं। क्योंकि मतलब वहाँ एक शो होता है रेख्ता, और मुझे वो हमेशा बहुत फैसिनेट करता है, वो मेरे मिजाज का शो है, वो गज़ल पोइट्री शायरी के हवाले से एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कभी रेख्ता में परफॉर्म करूँ। वे तक नहीं आ रहा वे छेती छेती आवे तक नहीं आरावे, वे छेती छेती आवे मैनू तेरे वेखने दा चा सांवला छेती घर आ जा शामा पै गई। मुझे कुछ ऐसा करना है कि वो कंट्रीब्यूशन गिनी जाए। कंपोजिशन का मुझे हमेशा से शौक है और मैं हमेशा कंपोज करता हूँ, ढेर सारी चीज़ें कंपोज की हुई थी। पहले इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि उनको मैं यू नो प्रोसेस से गुजारूं, और वो जो प्रोडक्शन के खर्चे होते हैं, फिर वीडियो बनाना और वो सारा कुछ। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो अब मैं अपने एक गज़ल एल्बम पर काम कर रहा था काफ़ी टाइम से, और वो इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि इसी साल
रिलीज़ करूँगा, उसमें 7 ओरिजिनल गज़लें हैं और वो सारी मेरे आज के दौर के जो हमारे यहाँ के शायर हैं वो सब उनकी लिखी हुई गज़लें हैं, मैंने उन्हें कंपोज़ किया है। और मेरा बैंड उसमें ये रोल प्ले करता है कि उसकी जो अरेंजमेंट्स हैं कि कहाँ कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजेगा और उसकी तरतीब क्या होगी, वो साउंड कैसा करना चाहिए टेक्निकली, उसका मिक्स एंड मास्टर क्या बनना है, वो जो टेक्निक्स हैं सारी उसमें मेजर रोल प्ले करते हैं मेरे सारे दोस्त जो मेरा बैंड मेंबर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं। तो अब शुरू हो रही है कंट्रीब्यूशन। इससे पहले ये सारा टाइम लगा है मुझे सिर्फ वो हम ख्याल लोग वो ऑडियंस इकट्ठी करने में, वो सारी हुई है कवर्स से। अब टाइम आया है कॉन्ट्रीब्यूट करने का, अब मैं ओरिजिनल कंटेंट बनाऊंगा और वो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। बूटे ने काही दे मेरा वे खमाही दे, पंछी मुड़ घरानू गए नी आ, तेरा क्यों नी चित करदा, शामा पै गईं आ जा शामा पै गईं आ जा शामा पै।